ये कपूर साहब, आज तो फ्रंट पेज का मसाला है। कोई मगर कोई चीज तुम्हें अपने फ्रंट पेज के मसाले की पड़ी रहती है। छोड़िए जी, जय जगन्नाथ आ गए। शरीफ आदमी है जज रघुनाथ, न जाने गुंडे के बच्चे क्या छूटी जो इस बेचारे को मारने चला था। वो देखो तुम्हारा यार भी आ गया। मुल्ज़िम हाजिर है? जनाब वाला हाजिर है। मुल्ज़िम की तरफ से वकील कौन है? मुल्ज़िम की तरफ से वकील कौन है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील नहीं किया? फिर सरकार की तरफ से एक वकील जनाब वाला। मुल्ज़िम की तरफ से वकील मैं। पीटर कोई सफाई देना नहीं चाहता। याद है मैंने कहा था कि अगर तुम कभी कानून के पंजे में आ गए तो तुम्हारी तरफ से वकील मैं बनूंगी। क्या मुल्ज़िम को मंजूर है? जी। मुल्ज़िम राज, तुम्हारे खिलाफ जज रघुनाथ पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम लगाया जाता है। तुम्हें अपनी सफाई के लिए जो कुछ कहना है कहो। जज रघुनाथ, क्या आप कोई वजह बता सकते हैं कि मुल्ज़िम ने आप पर क्यों कातिलाना हमला किया? क्या उसे आपसे कोई खास दुश्मनी थी? थी, वो खास दुश्मनी जो एक जंग के चोर चक्के डाकू को एक जज से हो सकती है जो उसे बिना रियायत उसके किए की सजा देने वाला हो। इसके अलावा दुश्मनी की और तो कोई वजह नहीं थी? जी नहीं, मेरा उसका संबंध क्या हो सकता है? जनाब वाला, बस मुझे और कुछ नहीं पूछना। अब आप चाहें तो गवाह से जिरह कर सकते हैं। जैसा आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर जिरह में मुझसे आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिए। ये एक इंसान की जान का सवाल है और आप ही ने सिखाया है कि इंसाफ करते वक्त हर दूसरे रिश्ते को भूल जाना पड़ता है। आज मैं पहली बार जिरह कर रही हूं, आशीर्वाद दीजिए। आपने अपने बयान में मुल्ज़िम को जन्म का चोर डाकू चक्का कहा है, इससे आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो बचपन से आवारा और बदमाश, अपराध की कीड़े जरूर उसे फोन में अपने माँ बाप से मिले। जैसा क्या आपकी कोई औलाद है? नहीं, मगर इस सवाल के इस मुकदमे के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है, फिर सोच कर जवाब दीजिए। क्या आपको यकीन है कि आपकी कोई औलाद नहीं? नहीं, मगर मैं फिर कहता हूँ कि सवाल का क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? जनाबे वाला, क्या मुझे इन बेकार सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा? रीता देवी, आप सिर्फ वो सवाल करें जिनका इस मुकदमा से ताल्लुक है। हम ये जानना चाहते हैं कि मुल्ज़िम ने हमला किया था या नहीं, अब किया था तो क्यों। बस बस बंद करो,
मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मुझे फांसी देना है तो दो। आर्डर आर्डर, आपकी राय जारी रखी। जनाब आला, मुल्ज़िम को इसे इनकार नहीं कि उसने जज रघुनाथ पर हमला किया, मगर जैसा कि अभी आपने फरमाया है, सवाल पैदा होता है कि क्यों किया। मैं अपनी जिरह से इसी सवाल का जवाब देना चाहती, अगर थोड़ी देर के लिए आप हुजूर वाला और जज रघुनाथ साहब दोनों मुझ पर भरोसा रख सके। आप सवाल कर सकती हैं। मैं अपना सवाल फिर दोहराती, क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? मैं आपसे माफी चाहती हूँ जज रघुनाथ, मगर ये सवाल बहुत जरूरी, मुल्जिम के लिए ही नहीं, खुद आपके लिए भी। जो कुछ आज हो रहा है उसकी जड़ें आपके भूले हुए जीवन में, याद कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? कब और क्यों किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? धरती का कलेजा क्यों न फटा आका जुलम सहे भारी झलक दुलारी जुलम सहे भारी झलक दुलारी राम की जानी मारी मारी झलक जल में सुंदर कमल खिलाए खिलाए सुंदर कमल खिलाए अजब तेरी लीला है गिरधारी अजब तेरी लीला मुबारक हो किसान आपके बेटा इस गंदी नाली में शरीर औला। अपने घर का दरवाजा बंद करने के बाद आपको नहीं मालूम कि आपकी बीवी और बच्चे पे क्या गुजरे? जी। और ना ही आपने जानने की कोशिश की, मगर मैं आपको बता सकती हूँ, अपने आप को आपके रास्ते से हटाने के लिए आपकी निर्दोष बीवी ने लखनऊ छोड़ दिया और आपके मासूम बच्चे बंबई के गरीबों की एक बस्ती में प्रवेश पाए। उन्हीं बच्चों एक दिन